मुंबई में लगातार हो रही बारिश मुंबईकरों की परेशानी बढ़ा रही है। जगह जगह जलभराव है, ट्रैफिक जाम है और इसने मुंबई की रफ्तार पर रोक लगा दी है। आईएमडी ने मुंबई, ठाणे, पालघर और महाराष्ट्र के बाकी तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई में जोरदार बरसात सुबह से चालू है, रुक रुक कर ये बरसात जो है अब लोगों की कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। यहाँ पर आप देखिए, ये एसबी रोड का एक नज़ारा है और एसबी रोड के इस नज़ारे पर आप ये जरा नज़र डालें किस तरीके से पूरा का पूरा स्वामी विवेकानंद रोड एक तालाब में तब्दील हो गया है। पुलिसकर्मी ट्रैफिक के यहाँ पर मौजूद हैं, गाड़ियाँ किस तरीके से रेंग रही हैं आप देखिए। सामने से जो गाड़ी आ रही है विले पार्ले, सेंटा क्रूज, खार और बैंड्रा की तरफ से, ये गाड़ी जो है, ये जो पूरा का पूरा ट्रैफिक है ये गोरेगांव, मालाड़, कांदीवली की तरफ जा रहा है। वेस्ट का ये इलाका है और आप देख सकते हैं कि दिन में गाड़ियों को जो है वो लाइट हेडलाइट ऑन करने की जरूरत पड़ रही है। कितना ज्यादा जो बरसात है, कितनी ज्यादा जो बारिश है वो हो रही है और इस बारिश में लोग खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर मेनहोल है, कहाँ पर नाला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरी मुंबई कोरोना से परेशान है। कोरोना का जो ग्राफ है वो 1 लाख के करीब पहुंचने को है। मुंबई में जो मौत का आंकड़ा है वो 5,000 को क्रॉस कर चुका है और ऐसे संक्रमण काल में इस तरीके की बरसात जहां पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल रख पाएगा और ना ही यहां पर जो संक्रमण है उससे बचने का कोई उपाय, क्योंकि जिस तरीके का पानी जहां पर हम खड़े हैं पूरा नाला जो है वो बहकर सड़क पर आ गया है। करीब 8:15 बजे के आसपास हाई टाइड है और उस वक्त तक अगर ये काले बादल इसी तरह से मुंबई के आसमान में बने रहें तो आप समझ सकते हैं कि मुंबई के लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये जो बस है वो कितने ज़्यादा स्पीड जो रेस करके चला रही है गाड़ी को, कब वो निकल पा रही है। छोटी गाड़ियाँ, टू व्हीलर मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं और जो बड़ी गाड़ियां हैं, गाड़ी हम दिखा सकते हैं वहां पर फंसी हुई है। देखिए मार्केट के पास गाड़ी के अंदर पानी चला गया है और गाड़ी वहां पर फंस गई है। पूरा का पूरा जो ये रास्ता है इसमें ऐसे कई गाड़ियां हैं जो फंसी हुई नजर आ रही हैं। तो ये पूरा तालाब में तब्दील हो गया है एसबी रोड और न सिर्फ अंधेरी वेस्ट में बल्कि जोगेश्वरी वेस्ट में, गोरेगांव वेस्ट में यही नज़ारा है। लो लाइन इलाका है ये और यहाँ पर पूरा एरिया तालाब में तब्दील हो गया। जो दुकानें हैं उनके अंदर भी पानी जाने का जो माहौल है वो बन गया है। हम देख सकते हैं वहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, दुकानों के अंदर तक पानी जाने का एक माहौल बन गया है। 1.5 से 2 फुट तक यहाँ पर पानी जमा होना शुरू हो गया है। अब लोग अपने घरों की तरफ तेजी से जा रहे हैं क्योंकि बरसात लगातार हो रही है। ऐसे में ऑफिस में, दुकानों में और कार्यालयों में काम करने वाले लोग अपने घरों की ओर तेजी से पलायन करना शुरू कर दिए हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद लौटते हैं आज की तमाम हेडलाइंस के साथ।